गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का खुले दिल से स्वागत करता हूँ, जो भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं और इनसे कुछ सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कंपटीशन के लिए, चाहे प्रोफेशनल स्टडी के लिए। और HTML की सीरीज मैंने शुरू कर दी है, पाइथन मैंने अप्रॉक्सीमेटली पूरा कोर्स कवर करवा दिया है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स और वन लाइन पॉइंट्स इत्यादि बचे हैं, जो मैं आपको HTML और ये M2R5 का कोर्स जितना मैंने बनाया है उसका कवर होने के बाद मैं आपको पाइथन में और थोड़ा पढ़ा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो मैंने आज की क्लास में टैग्स, HTML में टैग्स क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए ओपन करते हैं टैग्स इन HTML। एक फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखी है वर्ड में, उसके बारे में देखते हैं। ये क्लास मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि अगली क्लास से मैं आपको वेब ब्राउज़र और टेक्स्ट एडिटर की मदद से आपको वेब पेज बनाना सिखाऊँगा। तो आज की क्लास में मैं आपको मार्किंग नहीं सिखाऊंगा HTML की, कैसे वेब ब्राउज़र और नोट पैड प्लस प्लस या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की सहायता से आप किसी वेब पेज को डिजाइन करते हैं। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि टैग्स होते क्या हैं। तो देखते हैं, टैग्स हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स टेक डिफरेंट वैल्यूज। टैग्स जो होते हैं उनमें कई ढेर सारे एट्रीब्यूट होते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, और हर एट्रीब्यूट का अपना डिफरेंट वैल्यू होता है, मतलब अलग अलग वैल्यू होती है, मान होता है। दे एक्सटेंड स्कोप एंड फंक्शनैलिटी ऑफ HTML टैग। वो HTML की स्कोप और फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। टैग्स आर रिटेन इन एंगल ब्रैकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी टैग्स होते हैं उनको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सिंपली ए वेब ब्राउजर लाइक क्रोम ब्राउजर एंड ए टेक्स्ट एडिटर लाइक नोट पैड प्लस सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इज एफिशिएंट फॉर डिजाइनिंग वेब पेज यूजिंग HTML। यानी कि ये कह रहा है कि आपको एक वेब ब्राउजर होना चाहिए और बेस्ट वेब ब्राउजर है क्रोम टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, HTML पर टेक्स्ट एडिटिंग एंड कोडिंग के लिए, मार्किंग के लिए, तो वो है क्रोम ब्राउजर। और सबसे अच्छा जो आपका टेक्स्ट एडिटर है वो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। फिर भी आप नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस भी अच्छे हैं, आप इन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हुआ, मैंने आपको बताया टैग्स वेब ब्राउजर और टेक्स्ट एडिटर के बारे में। आप टेक्स्ट टैग्स इन HTML, तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टैग है वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग्स 6 टाइप की होती हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ी टैग होती है और H6 जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट टैग होती है। तो आज की क्लास बस यहीं तक फ्रेंड्स, और मैंने आज आपको 3-4 मिनट की क्लास दी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी को जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उन्हें पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जब आपको कंटेंट समझ में आने लगेंगे तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी आलोचना या मेरी कुछ तारीफ़ करना हो। लेकिन तारीफ़ तो मैं जानता हूँ कोई नहीं करेगा, मैंने इतनी अच्छी तरीके से अभी तैयारी नहीं की, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है भरपूर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके बाद भी मुझसे कोई गलती हो जाती है आपको पढ़ाने में तो उसके लिए मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ आप सभी दोस्तों से, और जितने भी प्रोफेशनल हैं कंप्यूटर्स में, और जो नए स्टूडेंट्स हैं ओ लेवल या ए लेवल के उनसे। तो ये सब क्लासेस मेरी उन्हीं को डेडिकेटेड है, उन्हीं लोगों को समर्पित भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अभी अपनी तैयारी ढंग से करें, और साथ ही साथ मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाएं, मेरा भी उत्साह बढ़ाएं सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके और शेयर करके। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जो कि इवनिंग में मैं दूंगा, उसमें टेक्स्ट एडिटर पर
HTML का मार्किंग कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं शाम की क्लास में, और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय ऑन YouTube। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, सुशांत कुमार उपाध्याय।